दोस्तों एवं प्यारे बच्चों खुश रहो। मैं लाल सर यूपी एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है यूपी एकेडमी को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आइए आज के सेशन में हम लोग क्लास सिक्स मैथ एनसीईआरटी चैप्टर थ्री प्लेइंग विथ नंबर्स पार्ट सिक्स एक्सरसाइज 3.5 के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कहने का मतलब है आपको देखिए इसमें ए से लेकर के आई तक सेंटेंस दिया गया है। इस सेंटेंस को आपको पढ़ना है, यदि ये सेंटेंस आपको करेक्ट लगे तो ट्रू लिखना है, करेक्ट नहीं लगे तो फाल्स लिखना है। आइए ए से स्टार्ट करते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। कह रहा है कि यदि मान ली कोई संख्या 3 से डिवाइड होती है तो क्या वह 9 से भी डिवाइड होगी। आइए इसको देखते हैं। देखिए 3 से 3 देखिए डिवाइड हो रहा है, लेकिन यही 3 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। चलिए एक और देख लेते, देखिए 6 है, 6 देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, लेकिन ये 6 9 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए तो हमें लग रहा है, देखिए 24 एक और देख ली, 24 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, लेकिन इसी 24 में 9 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा। नो, यानी ये 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं 9 से डिवाइड नहीं होती है, कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ये आपका फॉल्स हुआ। चलिए फॉल्स ध्यान रखिए। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, कह रहा है कि इफ मतलब 9 से डिवाइड होने वाली संख्याएं क्या 3 से डिवाइड होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि 9 या 3 से देखिए डिवाइड हो जाएगा, 3 3 या 9। आइए एग्जांपल देखो, 9 में देखिए 9 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 होगा, फिर इसी 9 को 3 से आप डिवाइड करेंगे 3 3 या 9। चलिए एक और ले लेते हैं, 18 में 9 से डिवाइड कीजिए, 9 2 जा 18, इसी 18 में 3 से डिवाइड कीजिए, 3 6 जा 18, यानी ये बिल्कुल ट्रू है आपका, ये ट्रू। चलिए अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18, देखिए 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 6, कह रहा है कि कोई संख्या यदि 18 से डिवाइड होती है तो क्या वह संख्या 3 और 6 से भी डिवाइड होगी। तो देखिए 3 से 18 डिवाइड होता है, 3 6 जा 18 और 6 3 जा 18, यस बिल्कुल डिवाइड होगा। आगे देखिए एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझ गए, देखिए 18 में 18 का डिवाइड करेंगे, 18 1 जा 18, और इसी 18 को जरा 3 से डिवाइड कीजिए, 3 6 जा 18, फिर 18 को 6 से डिवाइड कीजिए तो 6 3 जा 18, यानी ये डिवाइड हो रहा है। चलिए एक और एग्जांपल यहां चेक कर लेते, 36 को 18 से डिवाइड कीजिए, 18 2 जा 36, 36 को 3 से तो 12 3 जा 36 होता है, ये भी डिवाइड हो जा रहा है। 36 को 6 से डिवाइड कीजिए तो 6 3 जा 6 6 जा 36, यानी बिल्कुल ये आपका करेक्ट होगा, बिल्कुल ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अब ये कह रहा है क्या 9 और 10 दोनों से ये 90 डिवाइडेड हो सकता है, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। देखिए 90 में 9 से देखिए डिवाइड कीजिए तो 10 बार जाएगा, 9 10 जा 90 होता है, फिर इसी 90 में आप 10 का डिवाइड करो तो 10 9 जा 90, सो 10 इंटू 9 इक्वल 90, इसलिए ये आपका देखिए ट्रू हुआ। नेक्स्ट, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एट लिस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, देखिए यहां कह रहा है कि क्या को प्राइम नंबर में एक संख्या यानी 1 नंबर प्राइम होना जरूरी है, केवल 1 नंबर, नो,
को प्राइम में जितनी भी संख्याएं होती है सभी की सभी प्राइम ही होती है, प्राइम नंबर्स होती है। वन लिख करके ये सेंटेंस को गलत कर दिया है। तो ये देखिए को प्राइम, इन को प्राइम आर नंबर्स मस्ट बी प्राइम, जैसे 3, 5, 7, 9। इसलिए ये आपका ये सेंटेंस आप लोगों का यहां पर फाल्स है। देखिए फाल्स दिया हुआ है। नेक्स्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 आर सो डिविजिबल बाई 8। अब ये कह रहा है कि क्या कोई संख्या यदि 4 से डिवाइड होती है तो क्या 8 से भी डिवाइड होगी? नहीं, कोई जरूर नहीं है। 4 से देखिए 4 डिवाइड होता है, 4 बन जाने के लिए यही 4 8 से डिवाइड होगा? नो। देखिए ये 12 है, 12 से देखिए 4 डिवाइड हो गया तो 4 3 जा 12, लेकिन ये 12 8 से डिवाइड होगा? नो। तो ये आपका होगा फॉल्स। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय, कह रहा है यहां देखिए यदि कोई संख्या मान लीजिए 8 से डिवाइड होती है तो 4 से डिवाइड बिल्कुल होगी, क्योंकि यदि 8 में आप 4 का डिवाइड करोगे तो 4 टू जाए। तो आप देख चेक कर लेते हैं, 8 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 बन जाए, लेकिन इसी 8 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 टू जाए 8। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 16 में 8 का डिवाइड कीजिए, 8 टू जाए 16, इसी 16 में 4 का डिवाइड, 4 या 16, यानी ये बिल्कुल आपका ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है। आगे देखें, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। देखिए यहां क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या है और वो सेपरेट सेपरेट डिवाइड हो जाती किसी नंबर, तो क्या उसका सम, क्या उसका एड भी उस संख्या से डिवाइड होगा? आइए इसको चेक करते हैं। एच में देखिए यहां 8 है, चलिए 8 एक नंबर है और दूसरा नंबर 6 है, 8 देखिए 2 से देखते 2 4 जा 8 डिवाइड हो रहा है 6, 2 से 2 3 जा, देखिए ये तो डिवाइड हो गया सेपरेट। अब इस दोनों को एक साथ लेते हैं 86 को एक साथ लेते हैं तो 8 प्लस 6 यानी सम कर दीजिए तो ये हुआ 14, 14 डिवाइड हो गया 7 से, बिल्कुल सही है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 6 डिवाइड 3 2 से देखिए 3 से डिवाइड हो जा रहा है 3 2 जा 6, और ये 9 है देखिए दूसरा नंबर, 9 को अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 3 3 जा 9, अब ये 69 ले लीजिए, 69 प्लस 6 प्लस 9 इसका सम कीजिए तो 6 9 कितना होगा 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15, ये बिल्कुल यस, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट है। लास्ट, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटेड। देखिए यहां पर कह रहा है देखिए कि यदि मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं और डिवाइड हो जाती हैं, कोई संख्या डिवाइड हो जाती है क्या उसको सेपरेट करने पे, अलग अलग करने पर भी क्या वो डिवाइड होगी? आइए इसको देखते हैं। 18 देखिए दिया हुआ है, 18 हम एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, 18 में 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 9 जा 18, चलिए अब इस 18 को देखिए जरा इसका सम कर लेते हैं, 1 प्लस 8 तो ये हो गया देखिए 9, 9 देखिए डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखिए, सेपरेटली की बात हो रही है कि इसको सेपरेट करके देखते हैं, 16 है, अब 16 का देखिए 16 तो 4 से हो गया 4 जा 16 हुआ, अब यहां देखिए 16 तो 1 अलग कर लिया 6 अलग कर दिया तो डिवाइड नहीं, लेकिन इसको एड भी करके देख लेते हैं 6 प्लस 1 7, ये 7 भी डिवाइड नहीं होगा, कहने का मतलब ये आपका फॉल्स। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर। देखिए क्वेश्चन मार्क क्या है, वहां मिसिंग नंबर हमको बताना है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आइए सबसे पहले देखिए इस मिसिंग नंबर को देखते हैं,
तो इसको सॉल्व करने के देखिए क्या है, 6 है और ये 2 है, तो 2 का डिवाइड कीजिए, 2 3 6। तो देखिए यहां पर जो आएगा आंसर वो हो जाएगा 3। अब देखिए यहां 10 है और 5 है, तो 5 का 10 में डिवाइड कीजिए, 5 2 10। तो देखिए यहां मिसिंग नंबर जो पूछ रहा है, तो यहां होगा 2, यानी इसके आंसर हो जाएंगे 3 और आपका ये 2। ध्यान रखिए। अब आइए यहां हम लोग आते हैं, देखिए ये फर्स्ट ये दिया है ये 60, तो 60 में देखिए 60 में यहां 30 का डिवाइड कीजिए, तो 32 60। देखिए माइनस होता है आप लोग जानते हैं, तो यहां क्या हो गया, यहां देखिए 2। अब देखिए यहां 30 है, ये 10 है, तो 30 में जरा 10 का डिवाइड कीजिए भाई, 10 3 30। इस तरह से देखिए यहां पर जो आएगा वो आपका 3। अब देखिए ये 10 है, यहां देखिए दोनों जगह क्वेश्चन मार्क है, कुछ भी है, तो 10 का हम क्या करेंगे, 10 का फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर निकालने के देखिए दो तरीके हैं आप, 2 × 5 2 5 × 10 एक ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे आप 2 5 × 10 और 5 × 5। तो देखिए यहां पर आ गया देखिए 2, तो यहां 2 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 5। इस तरह से देखिए आंसर इसमें आपको ऊपर से ही ले लीजिए, ऊपर से यदि आप ऊपर से ही लेना चाहिए क्योंकि तरीका यही है, यहां भी हमको ऊपर से ही लेना चाहिए था आंसर। देखिए सबसे पहले ये 2 लिखिए, 2 के बाद तब ये 3 लिखिए, यहां भी 2 लिखेंगे, 3 5 2 आराम से। देखिए विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टोरिजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर, लेट बी 4। देखिए लेट बी 4, हम 4 को मान लेंगे, 4 ले लिया, 4 को देखिए इसका फैक्टर निकाल दिए, 2 2 जा 4 2 1 जा 2। तो देखिए ये आपको हमने इमेजिन करके ले लिया है, मान लिया है, लेट बी, तो प्राइम फैक्टोरिजेशन ऑफ 4, तो 2 × 2। अब इसमें देखिए कह रहे हैं कि इसमें हम छोड़ क्या दे रहे, किसको इंक्लूड नहीं किए हैं, तो इंक्लूड हमने मन को नहीं किया, तो सो हियर 1 इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टोरिजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। तो देखिए इसका आंसर आपका आएगा 1। ध्यान रखिए किसके आंसर हम 1 लिखेंगे। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखिए 4 डिजिट का पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर हम लिखेंगे, देखिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 4 × 9 लिख लीजिए, 9999। अब इसका आप प्राइम फैक्टर चाहे तो आप ट्री के मेथड से कर लें, अच्छा तो देखिए इसके अलावा आप ऐसे भी अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्वतंत्र होते हैं, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9। 3 से यहां भी आप कर सकते हैं, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा। आप देखिए 11 से इसको क्रॉस कर दीजिए, 11 1 जा 11 जीरो होगा, 11 जो, अब ये देखिए 101 से क्रॉस होगा ये 1। इस तरह से देखिए आप इसको 3 से किए तो आपका ये आ गया, फिर इसको डिवाइड किए ये आ गया, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9999 का बिल्कुल ऐसे 3 × 3 × 11 × 101, ये आपका आंसर हुआ। इसको ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 5 डिजिट का पहले तो स्मॉलेस्ट लिख लीजिए,
तो देखिए 5 डिजिट का हो जाएगा आपका 10,000, 1, 2, 3, 4, 5 देखिए 10,000 हो गया। अब 10,000 का देखिए तरीका ये है कि इसमें भी प्राइम फैक्टर कह रहा है, कहीं एक्सप्रेसेस की बात है तो आप ट्री बना लीजिए। इसके अलावा देखिए एक और तरीका मैं बता रहा हूँ कि इसको ऐसे भी सॉल्व किया जाता है, ध्यान रखिए। देखिए 2 से डिवाइड 2, 5 जा 10 इसको कर देंगे, 2, 5 जा 10 देखिए ये 0, 0, 0 फिर 2 से इसको फिर डिवाइड कीजिए, 2, 2 जा 4 2, 5 जा 10 ये 2500 हो गया, फिर 2 से देखिए 2, 1 जा 2, 2 जा और 2, 5 जा ये हुआ, देखिए 2 से डिवाइड 2, 6 जा 2, 2 जा 4 2, 5 जा 10 अब देखिए ये 5 से डिवाइड होगा, 5, 1 जा 5, 2 जा 5, 5 जा फिर 5 से 5, 2 जा 5, 5 जा फिर 5 से देखिए 5 जा ये हुआ। इस तरह से देखिए ये भी आपका नीचे वाला भी देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा तो यहां 1 आ जाएगा। और इस तरह से हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,000 का 2 × 10 × 2 × 5 × 5 × 5 ये आपका आंसर हुआ। देखिए ट्रीज के माध्यम से समझा दिया गया है, इसमें देखिए ये कर दिया है कि ट्रीज के माध्यम से सबसे स्मॉलेस्ट, जब भी हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं स्मॉलेस्ट स्टार्ट करते हैं 2 × 2 × 2 देखिए 2, 2, 2 और ये 2 फिर ग्रेटेस्ट 5 इसमें दिया है तो देखिए 5 देख लीजिए 5, 1, 2, 3 और ये 4 इस 5 को 1, 5, 2, 5 हो गया 3, 5 हुआ और ये 4, 5 इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो